एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ क्लास 12th के बच्चों को। आज आपको दोपहर में एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है? जो भी क्लासेस आप रेगुलर करना था वो आप कर चुके हैं, जो भी अभी थोड़ा बहुत समय बचा है ना वो खुद को दीजिए। किसी लाइव सेशन में बैठ के, मैराथन में बैठ के आपका टाइम बर्बाद ही होगा। सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसीलिए मैंने आज एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, यही एक रीज़न है, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। एक प्रॉपर वे में सोचो, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपके भले के लिए सोचता हूँ। अगर आप अभी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बैठे पड़े हो कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और वो जाके आप एग्जाम में करोगे, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आपने करने थे कर लिए, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने दिन में अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता नहीं लगा है, तो आज 2 घंटे 4 घंटे में क्या ही उखाड़ लोगे, है ना? रियलिटी है, फैक्ट है। आपको क्या करना है, जो चीज़ है उसको पहले रिवाइज करो। मैं बार बार बोलता हूँ, NCERT रिवाइज कर लो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण रिवाइज कर लो, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाते रहो, और वही उन्हीं में से ज़्यादा एग्जाम में फंसेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाओ, जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है ना उसमें क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, उसको खुद से सॉल्व करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो यूट्यूब खोलो, रिकॉर्डेड लेक्चर उठा के देख लो। लेकिन आज का जो दिन है वो आपके लिए है, प्लीज़ बच्चों ये समझो, इस चीज़ को समझो। किसी मैराथन क्लास में यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है अपने को टाइम दो, खुद को टाइम दो, ठीक है? वहाँ वो तो सिर्फ देख रहे हो, तुम थोड़ी ना उसको सॉल्व कर रहे हो। आपको खुद सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, टीचर आपको नहीं आगे बैठेगा वहाँ पर, आप उसे देखोगे नहीं, आपको खुद वहाँ पर पेन चलाना है। थिंक ऑफ इट प्लीज़ गाइज, एंड आई लव यू ऑल। बच्चों मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग आगे पढ़ाई नहीं करोगे मेरे साथ, लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैंने PSC BTech MSc की मैथमेटिक्स इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। फ्यूचर में भी आपको इस तरीके के रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे सारा अपलोड है। पहले पहले मैं BSc MSc वालों को ही पढ़ाता था, उसके बाद मैंने छोटी क्लासों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। बस मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से जुड़े रहना, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने छोटे भाइयों को भी सपोर्ट करना, बताना उनको कि भाई ये ऐसा चैनल है, यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और हाँ, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम में फोड़ के आना है, अपने मन को शांत रखना। जो क्वेश्चन बड़े वाले हैं वो पहले बड़े वाले से स्टार्ट करना, छोटे वाले बाद में। मैं तो ये कहूँगा कि 8 नंबर से फिर 5 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 1 नंबर पर जाओ, ऐसे करके करना, ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट पे एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख लेना। एंड ओवर थिंक नहीं करना, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करो पहले, जो नहीं हो रहा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, आई लव यू।